नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको पहले पेंसिल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, फिर बहुत ही सावधानी पूर्वक ऊपर के साइड में इस तरह आप एक 3 नंबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर करिएगा, एक आप ये वाला हिस्सा इधर आसानी से बढ़ा दीजिएगा। इस तरह आपको एक 3 नंबर लिखना होगा। 3 नंबर लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ से आप एक हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए नीचे की तरफ बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद ये वाला सिरा आप नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे। फिर गाइस, ऊपर वाले सिरे को आप इधर से ऐसे ले जाइएगा, यहाँ पर मिला दीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। आपको यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करना है, फिर बाहर की तरफ ले जाना होगा। बहुत ही ध्यान से करिएगा दोस्तों। यहाँ से आप इधर से हल्का सा बाहर की तरफ करेंगे, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। आपको इस साइड पर ऐसे करना है, यहाँ से अंदर की तरफ करेंगे, इधर से ले जाएंगे, नीचे की तरफ बढ़ाइएगा। अब बहुत ही ध्यान से दोस्तों, आपको बीच में एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको पहले आईब्रो बनाना होगा इधर, इसके बाद हम आई बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, पहले तो आप इधर से ऐसे ले जाइएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए इधर बढ़ाइएगा। ये वाला सिरा आपको डबल करना होगा, यानी कि इसको डार्क कर दीजिएगा। इस साइड भी आप ऐसे रिपीट कर देंगे। और गाइस, आपसे हमारा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है। अगर आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ से आपको इनका आई बनाना होगा, इधर से बढ़ाइए। आपको यहाँ पर भी ऐसे रिपीट करना होगा, इधर से बढ़ाते हुए यहाँ तक ले जाइएगा। फिर गाइस, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। आपको इधर भी ऐसे करना है, इधर से बढ़ाना है, यहाँ पर मिलाना होगा। एक छोटा सा हाफ सर्किल यहाँ पर बनाइएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे दोस्तों। आपको डार्क करना है, छोटा सा पॉइंट छोड़ दीजिएगा बीच में, इधर भी आप ऐसे कर दीजिएगा डार्क। डार्क हो जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, आपको इनका पहले नोज़ बना देना है। इधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आप इधर भी ऐसे आसानी से ड्रॉ कर दीजिएगा। एक छोटा सा आपको हाफ सर्किल बनाना है, यहाँ से भी ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा। हाफ सर्किल बनाएंगे, इसको नीचे की तरफ करते हुए इधर से आप मिला दीजिएगा। इस तरह आपको मिलाना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों, जस्ट यहाँ से आपको इनकी बड़ी सी मूंछ बनानी होगी। नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ाइएगा, सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे दोस्तों। यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ कर देंगे। यहाँ से इसको अभी डबल करके डार्क भी करना होगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये वाला सिरा आपको अंदर की तरफ यहाँ पर मिलाना होगा। यहाँ से भी आप ऐसे अंदर की तरफ मिला दीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों, आपको बीच से देखिएगा, इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये वाला सिरा आपको हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर बढ़ाना होगा। फिर आपको इनका बाल बनाना है, इधर से नीचे की तरफ करिएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाली मूछ हो जाएगी इनकी दोस्तों। यहाँ पे नीचे नीचे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इस साइड भी आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर के साइड से इसको हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। इनकी दाढ़ी आपको बड़ी बनानी होगी। नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देंगे, छोटी छोटी लाइनें आप यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ करेंगे। और गाइस, ऊपर के साइड में भी आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। इधर से ले जाइएगा एक लाइन, इधर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी ऐसे ड्रॉ करिएगा। फिर गाइस, आपको यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाना होगा, डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वाला सिरा आपको डार्क करना है और ये भी डार्क करना। चलिए इसको आसानी से हम कर लेते हैं।